नमस्कार, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो प्रकार के लीड्स होते हैं, फ्रंटल प्लेन की लीड्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन की लीड्स। फ्रंटल प्लेन की लीड्स को लिंब लीड्स भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन की लीड्स को चेस्ट लीड्स भी बोलते हैं। फ्रंटल प्लेन का क्या मतलब है? फ्रंटल प्लेन मतलब ऐसा, ठीक है, कॉरोनल टाइप का। तो इसमें हार्ट का व्यू ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। और हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स मतलब आगे से पीछे, तो डायरेक्टली हार्ट के थ्रू देखना। तो जितनी भी हमारी लिंब लीड्स हैं, जो हम हाथों पैरों में लगाते हैं, जो हम बहुत बार डिमॉन्स्ट्रेशन दे चुके हैं, वो कहलाती हैं फ्रंटल प्लेन की लीड्स, क्योंकि वो फ्रंटल प्लेन में हार्ट को देखती हैं। और इस प्रकार से हमारी 12 लीड ECG बन के आती है। और इतनी बार बार 12 व्यूज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम डिफरेंट व्यूज से जब हम हार्ट को देखेंगे, तब हम हार्ट की ज्यादा बीमारियां पकड़ने की संभावना हमारे लिए बढ़ती है। तो वो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि जब हम कोई चीज देखना चाहते हैं तो हम उसको हर एंगल से देख परख के फिर हम डिसीजन लेंगे ना। सेम हार्ट के लिए ये अप्लाई करता है। अब जो लिंब लीड्स है, वो बाइपोलर लिंब लीड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आयन थॉबन लीड्स। उसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करता है। तो कल की क्लास में हमने देखा था माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस। तो आप सोच रहे होंगे हमने तो सिर्फ हाथों और पैरों में लगाया, इतनी बार माइनस कैसे आ गया? तो आपको सिर्फ करेक्टली इलेक्ट्रोड्स लगाना है हाथों में और पैरों में, और बाकी का काम जो ECG मशीन है, जो कि एक बहुत ही सुपर सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट है और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर प्रोसेसिंग होता है इस पूरे चीज का। और वहां पे ये माइनस प्लस सब कम्युनिकेशन कनेक्शंस अपने आप होते हैं और ECG का ग्राफ बन के आता है। आपका काम सिर्फ लीड्स को करेक्टली प्लेस करना है। अब आप ये देखिए, 12 लीड ECG इस प्रकार से नजर आता है A4 साइज के पेपर पे। ये लीड 1 है, 2 है, 3 है, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो जो 1, 2, 3 AVR, AVL, AVF है, ये कहलाती हैं लिंब लीड्स, यानी फ्रंटल प्लेन की लीड्स। और जो भी चेस्ट पे लगी हुई है V1 से V6, वो कहलाएंगी हॉरिजॉन्टल प्लेन की लीड्स। तो इस लिंब लीड में से भी जो पहली तीन है 1, 2, 3, केवल ये बाइपोलर हैं, बाकी सारी लीड्स जो हैं वो यूनिपोलर हैं। अब यूनिपोलर का क्या मतलब है? यूनिपोलर का मतलब इसमें केवल एक इलेक्ट्रोड होगा और वो एक ही इलेक्ट्रोड रिकॉर्ड करेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को या करंट को। तो अगर जैसे लिंब लीड की बात करते हैं, तो एक तो यूनिपोलर लीड को हम शब्द V से दर्शाते हैं। V, ये कैपिटल V है, V मतलब वेक्टर। और कहीं आपको रेफरेंस मिलेगा इटैलिक V का। ये जो इटैलिक में V होता है, इसका मतलब होता है वोल्टेज। इसका क्लिनिकल कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हम कैपिटल V से हमारी यूनिपोलर लीड को दर्शाएंगे। अब जैसे मैंने लिंब लीड जो है वो राइट हाथ पे लगी, तो नेचुरली V और R हो गया, पर इसका ना वोल्टेज कम होता है, तो उसको मशीन ऑगमेंट करती है, बढ़ाती है, इसलिए उसको हम ऑगमेंटेड वेक्टर राइट बोलते हैं। फिर हमने लेफ्ट पे लगाया तो वो VL हो गया, मशीन उसको ऑगमेंट करेगी, इसलिए ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट। फिर हमने लेफ्ट फुट पे भी लगा दिया, राइट फुट पे तो हम लगाते ही नहीं, वो ग्राउंड का है, क्योंकि फिर वो हो गया फुट या लेग, कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम उसको फुट बोलते हैं। और चूंकि ये यूनिपोलर है, इसलिए V शब्द लगेगा, वेक्टर फुट, और ये ऑगमेंट हुआ, इसलिए AVF। तो ऐसे AVR, AVL, AVF ये टर्म्स कॉइन होते हैं, और चेस्ट के लिए V1 टू V6। तो आज के लिए इतना ही। तो ये यूनिपोलर लिंब लीड्स एग्जैक्टली इसका निर्माण कैसे हुआ, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, और आप पढ़ते रहिए और ज्ञान को स्प्रेड करते रहिए। एंड धन्यवाद एंड जय हिंद।